नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। डीसी विजय यादव व विद्युत विभाग के जिरीम श्रवण कुमार ने शुक्रवार को बिजली बिल से सूद की राशि माफ करने को लेकर हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ रवाना किया। डीसी ने बताया कि ऊर्जा विभाग के स्कीम में एक मुश्त बिजली बिल जमा करने से सूद की राशि माफ की जाएगी। मूल बिल जमा करने में 5 किश्तों में राशि जमा करने की छूट का प्रावधान है। जीएम श्रवण कुमार ने कहा, ओटीएस स्कीम के प्रति ग्रामीण इलाकों में जागरूक किया जाएगा। जून में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान को कम करके ओटीएस स्कीम का फायदा उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। ऊर्जा विभाग की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। बहुत सारे लोगों को जो लेटेस्ट बिजली से रिलेटेड सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, जानकारी नहीं है, तो यह रथ जो है प्रसार प्रचार का काम करेगा। सरकार की जो 100 यूनिट बिजली फ्री की जो स्कीम है, तो जैसे जीएम साहब ने बताया, बहुत सारे लोगों के लिए मास कवरेज की स्कीम है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉनिक अपर्टसेस नहीं होने के कारण 100 यूनिट से ज़्यादा खपत भी नहीं होती है। और कई ऐसे जनता दरबार में या जो ग्रामीण क्षेत्र में जनता दरबार होते हैं या दिशा की बैठक है या जो भी समीक्षा बैठक है, उसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा, खासकर सामान्य विधायकों द्वारा, ये सवाल उठाया जाता है कि बहुत सारे लोगों के बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, लोगों की वो पेमेंट की कैपेसिटी नहीं है। और चूँकि ये बिजली है, आपको बिजली देनी है तो लेनी है तो बिल भी देना है, तो कमोडिटी की तरह आपको इसका जो उपयोग लेना है, तो बिल का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण लोग जो नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, वो इस स्कीम के तहत वन टाइम सेटलमेंट या जो पीरियोडिक 5 किश्तों में देना है या सूद का जो कैंसिलेशन होना है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इससे लाभ होगा।